अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ बैरिया ऑर्चर्ड सी ब्लॉक में और मैं आपको आठ मल्ले का घर विज़िट करवाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके आपकी सराउंडिंग्स दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको घर विज़िट करवाते हैं। ये देखें इसकी सराउंडिंग्स, ये सारी इसकी सराउंडिंग्स हैं, घर वगैरह बने हुए हैं। ये पीछे ही बिल्कुल इसके ज़ू है, ये ज़ू की बाउंड्री नज़र आएगी आपको। ये सारी ज़ू है, फिर इसके साथ ही ये घर है जो मैं आपको विज़िट करने लगा हूँ। नेक्स्ट टू कॉर्नर हाउस है, ये आठ मरले का घर है। चलाएं हम आपको इसको अंदर से विज़िट करते हैं। ये मैं इसके गराज में आ गया हूँ और ये गराज है और साथ ही ये छोटे से मोटर वगैरह की जगह इन्होंने बनाई हुई है, बाइक भी पार्क हो सकती है। ये हमारी एक एंट्रेंस है ड्राइंग रूम की, यहीं से एंटर होते हैं। ये ड्राइंग रूम आप देखें, सीलिंग का काम देखें, साथ ही ये इन्होंने एक सेपरेशन सी बनाई हुई है। और इसके साथ ही हम आ गए हैं टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज भी बड़ा खूबसूरत और एक अच्छी डायमेंशन में इन्होंने बनाया है ताकि बेड हमारे बड़े हो जाएं। और साथ ही पहले मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ। ये किचन में आ गया हूँ मैं इसके, ये देखें आप सारे ये हुड वगैरह स्टोव्स वगैरह लगे हुए हैं और कैबिनेट्स जो हैं सारी फाइन क्वालिटी की लगी हैं, रेड एंड ब्लैक टच इन्होंने दे दी है। चलते हैं व्यूअर्स इसके फर्स्ट बेड की तरफ। ये मैं फर्स्ट बेड की तरफ आ गया हूँ। सीलिंग का काम देखें आप, टाइल्स वगैरह दो बाई दो की लगी हुई हैं इसके ऊपर, साथ ही ये कैबिनेट इन्होंने अंदर ही दे दी है। और ये आ गया हूँ मैं इसके वॉशरूम में, ये वॉशरूम है इसका। ये व्यूअर्स का दूसरा बेड है और इसमें भी बड़ा खूबसूरत सीलिंग का काम वगैरह हुआ हुआ है। इसकी जो कैबिनेट है इन्होंने इधर दे दी है और इसी कैब इसके अंदर से ही आपको ज़ू का व्यू भी नज़र आएगा बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट साइड लेफ्ट साइड पे। और ये इसका अटैच वॉशरूम है। व्यूअर चलते हैं इसके ऊपर वाली साइड पे। सबसे पहले मैं आपको बता सकूं इन्होंने सेपरेशन दी है कि यहाँ से अगर हम रेंट आउट भी करते हैं तो ये वाला दरवाज़ा बंद कर दें तो नीचे का सेपरेट हो जाता है, ऊपर का सेपरेट हो जाता है। साथ ही ये वॉशरूम है, पाउडर रूम कहते हैं इसे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बनाया हुआ इन्होंने। सो व्यूअर्स मैं आ गया हूँ इसके ऊपर वाले पोर्शन में और ये देखें आप, सबसे पहले इन्होंने जो राइट साइड पर है फर्स्ट बेड दे दिया, इसमें भी सीलिंग का काम वगैरह हुआ है। और ये इसकी कैबिनेट आ गई, कैबिनेट के साथ ही वॉशरूम की तरफ चलता हूँ। ये वॉशरूम आ गया है, सारे ये जो बाउल वगैरह हैं इन्होंने बड़ा खूबसूरत इसमें दिया है। व्यूअर्स ये मैं आ गया उसके टीवी लाउंज में, आप इसकी टाइल्स देख सकते हैं, वुडन टाइल इन्होंने लगाई है, वुड डिज़ाइन में टाइल कहते हैं इसको। और साथ ही हम पहले ऊपर वाला आपको किचन दिखाता हूँ। ये किचन है, ऊपर वाले की भी जो थीम है वो सेम दी हुई है, बिल्कुल हुड वगैरह स्टॉल हैं, ग्लोब वगैरह लगा हुआ है। चलते हैं इसके फर्स्ट बेड की तरफ। सारे बेड्स की जो थीम है इन्होंने सेम दी है। और ये इसके कैबिनेट वगैरह आ गए हैं, साथ ही मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। ये वॉशरूम है, ये व्यूअर्स मैं आ गया उसके दूसरे बेड की तरफ। दूसरे बेड की भी सीलिंग वगैरह सारी सेम है, टाइल भी दो बाय दो का लगा हुआ है, कैबिनेट भी अंदर इन्होंने छोटी सी बना दी है। साथ ही ये इसका वॉशरूम है और ये वॉशरूम देखें, सारे वॉशरूम्स की थीम जो है वो सेम। व्यूअर्स इसकी गैलरी की तरफ, ये मैं आ गया हूँ इसकी गैलरी में, आप इसकी सराउंडिंग्स देख सकते हैं, ये इसकी सराउंडिंग्स हैं। और जो मैं आपको ज़ू की बात कर रहा हूँ ये आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये ज़ू है सारा, आगे हम व्यूअर्स इसकी छत की तरफ, ये हमें थोड़ी सी एक स्टोर स्पेस मिल जाती है। और इसके बाद जो है ये हम आ गए इसकी छत पे, ये इसकी मैं छत पे आ गया हूँ। ये चारों तरफ घर ही घर आपको नज़र आ रहे होंगे और ये मैं आपको इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड भी दिखाता हूँ। ये टंकी की जगह आ गई हमारी और मस्जिद इधर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये सारा ज़ू है, जितना ज़ू है इसके आगे ट्रफल गार आ जाता है, बहुत ही वीआईपी और हॉट लोकेशन का ये घर है।
व्यूअर्स, आई होप आपको ये घर अच्छा लगा होगा। ये इस घर की जो डायमेंशन है वो 8 मरला की है, बहुत ही प्राइम लोकेशन का नेक्स्ट टू कॉर्नर हाउस है ये। और इसकी जो ऑनर डिमांड कर रहे हैं वो 2,50,00,000 रुपए इसकी डिमांड करते हैं। और इसकी जो मैं लोकेशन आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसकी जो लोकेशन है बैरिया ऑर्चर्ड सी ब्लॉक 8 मरला की रेजिडेंशियल कटिंग में ये आता है, बिल्कुल ज़ू के और ट्राफलगार के करीब है। तो मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रबता करें, मैं अपना नंबर जो है अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उससे भी मुझे रबता कर सकते हैं। और अपने घरों की वीडियोस बनाने के लिए मुझसे रबता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके घर को भी डिस्कवर करूँगा और आपके घर के बारे में भी गाइड करूँगा अपनी ऑडियंस को। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।